बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है मज़ेदार गोलगप्पे। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कप सूजी। अब बाउल के अंदर एक कप सूजी डाल दें। अब दो खाने वाले चम्मच मैदे के डाल दें। हमें चाहिए हाफ टी स्पून नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। इसको हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लें। इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह डो तैयार कर लेनी है। गाइस, आपने इस तरह का नरम आटा गूंद लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के इसे एक घंटे के लिए ढक के रख दें। अब हमारा एक घंटा हो चुका है। आटे को नरम हाथों के साथ फिर से गूंद लें। अब आटे को रोल करके इसका पेड़ा बना लें। अब थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसकी पतली सी रोटी बना लें। आपने इतनी ही बारीक रोटी रखनी है। आप ग्लास की मदद से इसे गोल शेप में काट लें। अब हमने सारे गोल गप्पों की कटिंग कर ली है। अब एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लें और एक एक करके सारे गोलगप्पे फ्राई कर ले। माशाल्लाह, देखे कितने जबरदस्त हमारे गोलगप्पे फूल के तैयार हो गए हैं। ये देखे, आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करते जाएं और ये अपने आप फूल जाएंगे। इसी तरह हम सारे गोलगप्पे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, हमारे कितने जबरदस्त गोलगप्पे तैयार हैं। अब हम गोलगप्पों का पानी तैयार कर लेते हैं। एक गिलास पानी ले। हमने थोड़े से पानी के अंदर इमली को भी गो के रखा हुआ था, वो पानी में डाल दे। आधा टीस्पून चाट मसाला डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमारा पानी तैयार है। आलू, प्याज और हमने चनों को मिक्स कर लिया है। अब एक गोल गप्पे के ऊपर सर्व करें, इसके अंदर चने डालें और इमली का पानी डाल दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फूड मैनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। अब हमारा खाने के लिए गोलगप्पा तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना जबरदस्त गोलगप्पा तैयार है। माशाल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।